तो यार प्राथमिक भर्ती, बुरी खबर, सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर, अधिकारियों की एससीईआरटी में कार्रवाई शुरू। इस वीडियो में बात करेंगे। मैं राम सर, आप लोगों का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल गेट गोल ऑनलाइन में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑर्डर रिजर्व होने के बाद में बहुत सारी हलचलें चल रही हैं, वहीं चाहे ईडब्ल्यूएस को लेकर हो या 69,000 शिक्षक भर्ती को, 19,000 आरक्षण घोटाले को लेकर हो या फिर 6,800 सीटों को लेकर हो। सरकार कहीं ना कहीं 6,800 सीटों को लेकर पक्ष में दिखाई दे रही है। वहीं कुछ अभ्यर्थियों ने, उनके लिए बुरी खबर यह है कि रिजर्व होने से पहले एक सुप्रीम कोर्ट में इस भर्ती को चैलेंज किया गया है, 69 शिक्षक भर्ती को, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत दिनों से कमेंट आ रही थी कि एक याचिका पड़ गई है सुप्रीम कोर्ट में, बट उस पर रिसर्च करने के बाद पता चला कि हाँ, ये बात सच है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 31/592/2022। ये अभी हाल फिलहाल में पड़ी हुई याचिका है, राज बसूर आर्या बसेज यूनियन ऑफ इंडियन की तरफ से है। ये आप देख सकते हैं जो फील्ड याचिका है वो 30/9/2022 के लिए, 22 में ही फील्ड हुई है, और इसका जो केस नंबर है 881 है, जो कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद में इसकी जो फर्स्ट हियरिंग जो हुई है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 24/11/2022 ऑनरेबल जस्टिस वेला एम त्रिवेदी, ऑनरेबल दूसरे जस्टिस हैं वो। तो यहाँ पर आप लोग स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं दो जजों की बेंच में लिखी हुई है। इसका जो मेन प्रेयर है वो आपको बता दूं कि इज देयर मोस्ट रेस्पेक्टफुली प्रेड दैट दिस ऑनरेबल हाई कोर्ट मे बी ग्रेसियसली बी प्लीज टू कॉल फॉर एंटायर रिकॉर्ड्स ऑफ द केस आफ्टर एग्जामिनेशन, द सेम बी प्लीज एक्सेप्ट अलाउ विद दिस रिट पिटीशन। मतलब कि सेम रिपिटिशन को लागू किया जाए। तो इसमें कई सारे पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से। उसके बाद में जो लास्ट पॉइंट है वो मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जो मेन पार्ट है, सो एप्रोसिएटेड रिट इन द नेचर सर्डिनरी टू द कोस क्वेश एंड सेड असाइड एडजस्टमेंट डेटेड 5/12/2018। मतलब कि 5/12/2018 की बात है, एग्जाम रेगुलर अथॉरिटी की तरफ से। अब यूपी बसेस स्टेट की तरफ से डिक्लेयर कहा गया था, तो इसको लागू किया जाए। तो ये पूरी भर्ती को चैलेंज किया गया है, ये यूनियन ऑफ इंडियन के द्वारा है। अब देखना ये है कि इसमें क्या प्रभाव पड़ता है। अब विशेष जानकारी कोई सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आएगी या फिर इस पर डेट लगती है, तो सारी की सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। बट इसको रोकने के लिए भर्ती प्रक्रिया को, पूरी भर्ती प्रक्रिया को चैलेंज किया गया, नोटा सच्ची भर्ती प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में। अब एक दो डेट क्लियर होने के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल इससे का कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, और अभ्यर्थी तो कोई परेशान ना हो। और दूसरी बात बता दूं मैं आप लोगों को कि जब से ऑर्डर रिजर्व हुआ है उसके बाद में एससीईआरटी अधिकारियों के बीच में भी कार्रवाई शुरू हो गई है, चर्चाएं स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि ऑर्डर तो आना ही है। वहीं पर आंसर की मुद्दे को लेकर भी जॉब देनी है अभ्यर्थियों को, तकरीबन 1,000 अभ्यर्थी हैं, तो उनको भी अब देखना है एक साथ ज्वाइनिंग कराते हैं या फिर अलग अलग ही कराते हैं। वहीं एक अपडेट चिन्मणि शुक्ला जी ने भी दी है, 69 शिक्षक भर्ती को लेकर एक बार फिर चर्चा हो रही है लगातार। ये शुरुआत से मतलब न्यूज 18 के संवाददाता रहे हैं और ये बीच बीच में खबरें उठाते रहे हैं 69 शिक्षक भर्ती से, तो इन्होंने भी ट्वीट करके कहा है। तो ये कहीं ना कहीं हलचल है विभाग में, और जल्दी ही कुछ ना कुछ बड़ा देखने को मिलेगा। वन वीक का टाइम लिया है, ये वन वीक के अंदर में जितने भी रिटर्न सबमिशन जिसको भी देना है, चाहे जनरल वाले हों, चाहे 27-21%, 19,000 सीटों वाले हों, 6,800 वाले हों, सब लोग अपना दे देंगे। उसके बाद में ऑर्डर रिजल्ट हो चुका है, उसके बाद में ऑर्डर की डेट सुनाने की आ जाएगी, जल्दी ही डेट आएगी। तो यहाँ पर सब लोगों का मानना भी है कि मुबारक हो आप सभी, जल्दी ही बेसिक में शिक्षक पद पर चयनित होंगे, आप जल्दी ही बेसिक का हिस्सा होने वाले हैं। आखिर लंबी लड़ाई के बाद हम सभी जीत की दहलीज पर पहुंच गए हैं। अभी अभी प्राप्त हुई विश्वसनीय सूचना के अनुसार बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 शिक्षक भर्ती पर हलचल हो रही है। दोस्तों, विभाग जल्दी ही हमारी उन
18,000 सीटों को हरी झंडी दे सकता है। कुल मिलाकर ओबीसी एससी की 27% और 21% सीटें पूरी करेगा। प्राप्त सूचना के अनुसार विभागीय अधिकारी लिखित समीक्षण के संबंध में सोमवार के बाद कभी भी आधिकारिक बैठक कर सकता है और आगे की कार्रवाई के संबंध में रणनीति तैयार कर सकते हैं। वर्षों से सरकारी नौकरी का सपना पूरा जो किया है वो जल्द ही पूरा होगा। ऐसा मानना है अभ्यर्थियों का कि जो 19,000 सीटों को लेकर लड़ रहे हैं, 18,000 तकरीबन जो सीटें बताई जा रही हैं, अब 27-21% को लेकर ये इन अभ्यर्थियों का मानना है, तो ऐसा अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट मतलब हाई कोर्ट का आएगा तो वही सर्वमान्य रहेगा। इस तरीके से बात करें तो कहीं ना कहीं 6800 अभ्यर्थी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उनको उम्मीद है कि सरकार हमारे साथ है और हम सभी को नियुक्ति के लिए रास्ता शुक्ला जी ने निकाल दिया है। ये बात सब अपनी अपनी टीम की तरफ से सभी अभ्यर्थी कह रहे हैं। वहीं जनरल की बात करें तो ईडब्ल्यूएस को लेकर भी वो बहस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी खुश हैं। तो इस टाइम स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो जिस टीम के लिए काम कर रहा है वो उस टीम की अपनी जीत बता रहा है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि जनरल वालों का जो ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि जो भर्ती प्रक्रिया है, जो केस चला, वो सिर्फ और सिर्फ ओबीसी आरक्षण घोटाले को लेकर लेकर हुआ है, वो भी एनसीबीसी की रिपोर्ट के आधार पर। तो एनसीबीसी ने जो रिपोर्ट दी थी उसके आधार पर हुआ है, उसी के आधार पर 6800 लिस्ट आई थी, क्योंकि सरकार ने भी माना है घोटाला हुआ है, तो सरकार ने माना है, तो ये तो कन्फर्म कि 6800 को कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली, चाहे दूसरी लिस्ट आए या फिर 19,000 सीटें पूरी की जाएँ तब भी इनका नंबर, ये वो लोग हैं 6800 चयन जिनकी मेरिट्स कहीं ना कहीं जो अनसेलेक्टेड लोग हैं उनसे ज़्यादा है, तो उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और एक ऑप्शन जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, पहले हाई कोर्ट कह चुका है कि 69,000 की भर्ती में 69,000 ही जगह रहेंगी, एक भी सीट नहीं भर सकती, तो वो नियम यहाँ पर चूंकि समझौते की बात हुई थी, तो वो नियम यहाँ पर हो सकता है जज साहब इसको चेंज कर दें और कुछ सीटों को ऐड करने की बात कह दें ऑर्डर में। अगर सीटें ऐड होती हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि सभी को कुछ ना कुछ लाभ मिल जाए। अब अगर सीटें ऐड होना यहाँ पर बहुत ही कंपलसरी हो जाती हैं और बीच का रास्ते पे जिस तरीके से लास्ट दिन बहस हुई है उस दिन से लगता है कि यहाँ पर सभी वर्गों को कुछ ना कुछ फायदा दिया जाएगा, तो जीत और संघर्ष और इस भर्ती का निर्णायक फैसला जल्द ही आप लोगों के समक्ष होगा और जैसे ही ऑर्डर जारी होगा सबसे पहले आप लोगों के सामने हम लेके आ जाएंगे उसको। तो जब तक ऑर्डर नहीं आ पाता, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, कोई भी अपडेट मिलेगी 69,000 से रिगार्डिंग सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी के साथ में आप सबके सामने प्रेजेंट हो जाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।